पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए उस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर जमकर हंगामा किया। इसी बात पर अब पूर्व सीएम ने सवाल उठाए हैं। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार विधानसभा चुनाव में जनता से किए गए प्रमुख वादों से पीछे हट गई है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता से तीन बड़े वादे किए थे, जिसमें पहला वादा था कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। लेकिन आज राज्यपाल के अभिभाषण में लाडली बहना योजना में 3,000 रुपए देने की कोई बात नहीं कही गई। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बड़ी घोषणा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,700 रुपए प्रति क्विंटल और तीसरी घोषणा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,100 प्रति क्विंटल करने की। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी राज्यपाल के अभिभाषण में कोई बात नहीं कही गई। स्पष्ट है डॉक्टर मोहन यादव सरकार मध्य प्रदेश की जनता के साथ और खासकर महिलाओं तथा किसान भाइयों के साथ खुली बेईमानी करने का इरादा रखती है और चुनाव के लिए किए गए वादों से पलट चुकी है। ये सरासर धोखा है और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ हर स्तर पर आवाज उठाएगी।